हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो दिन की शुरुआत हुई है वो हमारी हुई थी होटल के ब्रेकफास्ट से, और हमने प्लान किया था कि आज हम अपना सामान वगैरह रख के थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद हम रात में वापस आके अपना सामान लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। तो हमारे होटल के सामने ही एक मंदिर था, हमने सोचा पहले उसको एक्सप्लोर करते देखते हैं क्या है, क्योंकि वहाँ मूर्ति बनी हुई थी गणेश जी की भी, तो हमें लगा कि इंडियन टेंपल टाइप का है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये थाईलैंड का है, पर कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम आगे निकल गए, जहाँ पे मैंने देखा कोई फंक्शन वगैरह हो रहा था, टेंट वगैरह लगे हुए थे, लोग अगरबत्ती लेके लाइनों में लगे थे। तो हालांकि मुझे उतना समझ तो नहीं आया। फिर उसके बाद हम मॉल के अंदर चले गए, वहाँ मुझे मिला कैरीफोर। तो कैरीफोर भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेना था वापस जापान ले जाने के लिए। और उसके बाद हम वहाँ से निकले, और हमने बस वगैरह ली। एक तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा प्लान ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से उसको निपटा दिया। मतलब कुछ पन्नी वन्नी मिल गई, हमने कहा नहीं यार, अब आखिरी दिन है, अब ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक जगह बैठे रहेंगे, तो जितना हो सकता है उतना हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमने साइकिल ली है जिसमें राइट ब्रेक जो है ना वो पीछे की है और लेफ्ट ब्रेक आगे की है। तो बस अब नज़ारे ले रहे हैं यार। बारिश होने लगी आज, हमारा ना वो ख़राब हो गया, हमारा जो प्लान था ना। फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बस अब बारिश ना हो। तो हुफेंग बाइकवे में क्या था कि दो तीन ट्रैक थे अलग अलग। हमने सबसे छोटा ट्रैक लिया जो कि 4.5 किलोमीटर का था, तो हमने ऐसे जोड़ा कि 4.5 जाना और 4.5 वापस आना। और इसलिए भी था क्योंकि हमने बाद में जाना था गाओमी। गाओमी वेटलैंड एक्चुअली दो वो अलग डायरेक्शन है, तो हमें ये था कि यार अगर हम यहाँ पे इतना कर लेंगे तो गाओमी जाने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। उसके बाद काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद हमें बहुत बढ़िया ब्रिज मिला, और ब्रिज में भी मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे थे। वहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर एक टनल आया, तो टनल मैंने गूगल पे भी देखा था, बट अच्छा था। मुझे लगा थोड़ा सा रिस्की होगा, या पता नहीं लाइट उतनी होंगी कि नहीं, लेकिन हाँ मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन था, आवाज़ भी हमारी गूंज रही थी। तो भाई हम टनल में आ गए और ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इधर से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उधर से समर्थ भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम आ गए हैं टनल में। आपने बहुत सारे टनल्स देखे होंगे, लेकिन ये सिर्फ साइकिल के लिए है ताइवान में, ताइचुंग में स्पेशली। तो ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे हैं, लाइटें पूरी लगी हुई हैं। तो आगे मिलते हैं। मेरे ख्याल से ये टनल 1.25 किलोमीटर का है। तो हमने अपने रेनकोट उतार दिए और अभी भी हम ना टनल में हैं, और यहाँ ना आवाज़ हमारी गूंज रही है। अभी मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ, इधर इधर ही। हेलो, यहाँ यहाँ करते यहाँ पे। हेलो, भाई साहब क्या आवाज जा रही है यार, पूरे टनल में आवाज गूंज रही है। चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वापिस आते वक्त एक रेलवे की रिफाइनरी थी, मतलब वहाँ वाइन मिलती है। तो हमने सोचा कि वहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ हम गए। लेकिन वहाँ सिर्फ वाइन का मतलब जो था वो ज़्यादा था, और फिर हम तो पीते नहीं है, तो हमने सोचा कि इधर आइसक्रीम वगैरह ले लें या स्लश वगैरह कुछ मिल जाए। तो वहाँ की जो आंटी थी वो समझ नहीं पा रही थी, उनको लग रहा था हम सिर्फ वाइन के लिए आए हैं। तो फिर समर्थ ने उनको ट्रांसलेट करके बताया। उसके बाद हम वहाँ से निकल के हमने फिर ट्रेन वगैरह ली, लोकल ट्रेन, क्योंकि हमने वहाँ से साइकिल रिटर्न करके ट्रेन लेके फिर जाना था अपना गाओमी वेटलैंड। अच्छा, गाओमी वेटलैंड भी ट्रेन स्टेशन से थोड़ा दूर था, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5 भी नहीं, शायद ज़्यादा था, मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर के आसपास था। अब वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम फिर से साइकिल ले लेते हैं। तो फिर हम साइकिल से पूरा एक्सप्लोर करते हुए गए, और वहाँ पे हम मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में हम पहुँच गए। और वो जगह भी एकदम सॉलिड थी, मतलब बहुत नज़ारे ही नज़ारे थे वहाँ पे।
तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था विंडमिल देखने का। मैंने आज तक कभी मतलब रियल में तो विंडमिल देखी नहीं, हमेशा वीडियोस में देखी थी। तो मतलब उसको देख के थोड़ा सा स्वाद भी आया, और जो पंखे की आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी सी लग रहा था कि अगर पंखा गिर जाएगा तो क्या होगा, और पंखे बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। भाई फिर कम से कम हमने 45 मिनट साइकिल चलाई होगी मेट्रो स्टेशन से, और अब हम यहाँ आ गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विंडमिल। यार ये है गाँव में वेटलैंड, और आप अगर दूर तक देखोगे ना कुछ भी नहीं है, एकदम सन्नाटा। तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे सनसेट होगा, हम इसीलिए आए, लेकिन आज मौसम थोड़ा बारिश का है सुबह से, तो देखते हैं अगर सनसेट हमें दिख गया तो तब तक एक्सप्लोर करते जरा इस जगह को। उसके बाद हमें वहाँ से गाउमी वेटलैंड तो दिख रहा था, लेकिन हमें थोड़ा चलना था, तो हमने दोबारा साइकिल ली और साइकिल से फिर हम वहाँ बोर्ड वॉक तक गए। अच्छा, बोर्ड वॉक में कोई रूल था कि आप बोर्ड वॉक से उतरेंगे नहीं, क्योंकि उतरने का मेरे ख्याल से $12,000 कुछ फाइन था। तो उसमें यह था कि आप एकदम एंड तक जाएंगे और वहाँ आप उतर सकते हैं, शूज़ वगैरह उतार दो अपने, वहाँ आप चल सकते हैं। तो वो एक अलग नज़ारा था कि मतलब दूर दूर तक मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली था, और उसके भी आगे समंदर था। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना व्यू, वहाँ से जब हम वहाँ पे खड़े थे उस कोने पे, उधर खड़े थे हम लोग पहले विंडमिल के पास। अब हम इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ से देखो सनसेट का वेट कर रहे हैं, लेकिन गुजारा देखो यार। और हम सब हमने ना यहाँ अपनी चप्पलें उतार दी, जूते उतार दिए, हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि लो टाइड है ना। बस अब ये ना हो कोई केकड़ा वेकड़ा चिपक जाए, काट ले, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है यार। ये मैंने केकड़ा पकड़ा है, पता नहीं ये काटेगा कि नहीं काटेगा। चलो उसको थोड़ा घुमा के लाते हैं। तो हमने वहाँ काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी हमने शायद 1-2 घंटा वहाँ बिताया। फिर जब अंधेरा होने लगा तो फिर हम वापस आए होटल के पास। तो फिर वहाँ पे हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, बाबा दा ढाबा करके, वहाँ पे हमने अपना खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम होटल गए, और फिर होटल जाने के बाद हमने अपना सामान वामान लिया, फिर हम मेट्रो चले गए। तो बस अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया, और हम कल निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल रात के 8 कुछ बज रहे हैं, तो ये है बुलेट ट्रेन यहाँ की, अच्छी थी। हमने कहा चलो जाते जाते एक राइड और कर लें यहाँ पे, इसमें ज़बरदस्त है।